जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, कल रात से ही इधर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी लगातार बारिश चल रही है, तो आज आपको साउंड में थोड़ा सा नॉइज मिल सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग मैप में देख सकते हैं, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, इनमें से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन में कोलकाता दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कोलकाता। और कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सुदूरस्त दक्षिणी बिंदु क्या है। अब देखिए, यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ पर है, देख सकते हैं, कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। लेकिन सिर्फ भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है लोकेशन इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि संकीर्ण पट्टी को क्या कहते हैं। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि संकीर्ण पट्टी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जिस तरह से जल डमरू मध्य होता है, उसी प्रकार दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि को कहा जाता है स्थल डमरू मध्य। आगे देखिए, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है, ये शतरंज से जुड़ा शब्द है, याद रखिएगा। आगे देखिए, HTML का पूर्ण रूप क्या है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बाबर एवं राणा संगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। आप लोग कमेंट करके बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था। देखिए, बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी वंश की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों का संघ है।
चलिए आप सभी सात के लिए फटाफट से आंसर बताइए। संयुक्त अरब अमीरात ये कितने अमीरातों का एक संघ है? तो याद रखिएगा सात अमीरातों का एक संघ है। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है पूछा जाता है, तो रियाद, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर है, अबू धाबी, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा दिरहम, दिरहम ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। एक जीबी किसके बराबर है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, एक जीबी किसके बराबर है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, एक जीबी बराबर होता है 1024 एमबी के। तो यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चलिए आप सभी नौ के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए कौटिल्य की बात करें तो इसका अन्य नाम पूछा जाता है विष्णुगुप्ता, चाणक्य भी बोला जाता है, और कौटिल्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और इसी ने अर्थशास्त्र की रचना की है। आप लोग कमेंट करके बताइए तुलसीदास किसके समकालीन थे और चरक जो है ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और चरक ने लिखा है चरक संहिता। पूछा जाता है एग्जाम में कि चरक संहिता की रचना किसने की है, तो चरक ने। आगे देखिए एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताइए, एशियाई जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब है कच्छ का रण। एशियाई जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पेरियार अभ्यारण पूछा जाता है ये केरल में है। काजीरंगा ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये किस राज्य में है, तो असम राज्य में है काजीरंगा। रणथंभौर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से देख लीजिए पुस्तक का नाम क्या है, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए बता देते हैं, याद कर लीजिए, सही आंसर है विलियम डेलरिम्पल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेखक कौन है, तो विलियम डेलरिम्पल। एक पुस्तक यहाँ से पूछा जाता है एशिया ऑफ डार्कनेस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए एशिया ऑफ डार्कनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है, वी एस नायपॉल। यहाँ पर लिख देते हैं वी एस नायपॉल किस पुस्तक के लेखक है, तो एशिया ऑफ डार्कनेस। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली अपनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे। और देखिए आज 8:30 बजे की क्लास बंद है क्योंकि अभी भी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है जिसके कारण इंटरनेट भी स्लो है, तो सिर्फ आज रात 8 बजे की ही क्लास कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली अपनाई गई? तो सही जवाब है 1957 में, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था, हमने आपको पहले भी बताया था 1949 में, नोट कीजिए भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में किया गया था, और अंतिम बार कब किया गया था, 1991 में। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में इनमें से सबसे अधिक समय कौन लगाता है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए सूर्य से जो ग्रह सबसे अधिक दूरी पर होगा वो ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिक समय लेगा, तो पर बृहस्पति ग्रह है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा,
बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह, शुक्र ग्रह ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है और इसी को बोला जाता है सुबह यानी भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह को, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछे कौन सा ग्रह है तो बुध ग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है ये दिया है ए ओ ह्यूम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, और किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। आगे देखिए, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया? तो किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को चलाया? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र ने। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। परमाणु रिएक्टर क्या है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक भट्टी है जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा उष्मा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आगे देखिए, परखनली शिशु अंड का निषेचन कहाँ पर होता है? यानी कि परखनली शिशु में जो अंड का निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न को डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? निषेचन जो होता है परखनली के अंदर होता है। भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एस विजया लक्ष्मी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012 तक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर पूछा जाता है। किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया? और देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा। और देखिए, इस क्लास के साथ साथ आप लोग लूसेंट बुक को भी डेली ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा लूसेंट बुक को समाप्त करना है। और अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे लूसेंट बुक से टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास कराई जाती है, जिसमें लूसेंट बुक से पूरा एंशेंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया गया है और आज से मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट किया गया है। तो उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर को लगाया था? तो यहाँ पर सही जवाब है हरियाणा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है हरियाणा राज्य। और देखिए, कर क्या होता है? तो कर जो है ये सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, इसे जरूर ध्यान रखें। भारतीय जनसंख्या के वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है? तो ध्यान दीजिए, शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण होता है घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य होती है। यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। और शून्य आधारित बजट का अर्थ पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, इसी को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है?
तो किसमें है? बिहार में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रुपये को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, कब बनाया गया? आंसर कीजिए। तो ये बनाया गया अगस्त 1994 में। सही जवाब है सी ऑप्शन, अगस्त 1994 में। और भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो डेट लिख लीजिए 1806 में। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित किया गया, कब किया गया? आंसर कीजिए फटाफट से। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय कब गठित किया गया? तो सही जवाब है 1985 में। आगे देखिए, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो याद रखिएगा, उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक घनानंद का था। तो सही जवाब है नंद वंश, ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर होती है? पूछा जाता है बेबीलोन में। नंद वंश का आखिरी शासक, सॉरी नंद वंश का संस्थापक पूछा जाता है महापद्म नंद था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये किसने बनाया याद रखिएगा? बालाजी विश्वनाथ ने। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है बालाजी विश्वनाथ। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो सही जवाब है चंपारण में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों की तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था अंग्रेजों को, चंपारण सत्याग्रह के कारण। और चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी जी को, पूछा जाता है। तो राजकुमार ने, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना? इस प्रश्न को हम बहुत बार करा चुके हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, भारत सरकार 1919 का आधार बनी। आगे देखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ पर? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज ये अस्तित्व में कहाँ पर आई? तो सही जवाब है सिंगापुर में, सही जवाब है सिंगापुर, ध्यान रखेंगे। भारत विभाजन का वाकलन प्लान किसका उपज था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये किसका प्लान था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ध्यान रखेंगे। बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। तो इसमें होता है 18 कैरेट सोना में क्या होता है? 18 भाग सोना होता है और 6 भाग क्या होता है? अन्य धातुएं होती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है वृहद अस्थि में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वृहद अस्थि में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से लेकर 18, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 पूछा जाता है बार बार, अस्पृश्यता का अंत किया गया है 17 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किस निधि से दिए जाते हैं? तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राज्य की
समेकित निधि से, यहाँ पे उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 214 में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इनका निर्वाचन हुआ था कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सही जवाब है पश्चिम बंगाल से, याद रखिएगा। एक रुपये का सिक्का है तो देखिए, एक रुपये का सिक्का जो है ये सीमित ग्राह्य वैधानिक मुद्रा है, तो सही जवाब क्या होगा, 38 का ऑप्शन ए। और एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो कौन सा बैंक है, तो याद रखिएगा ये है भूमि विकास बैंक। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, भूमि विकास बैंक। आगे देखिए, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन है, तो गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता है शिव एवं विष्णु, तो सही जवाब है बी ऑप्शन, शिव एवं विष्णु। और मंदिर बनाने का जो काम है गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर पूछा जाता है जो कि केरल में है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, देखिए हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, लाल कलर का। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ह्वेनसांग आया था, डी ऑप्शन सही जवाब है, मेगास्थनीज। याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। फायान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समृद्ध का देवता था, तो बहुत ही सिंपल है, वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता था, यहाँ पे समुद्र होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है आधुनिक सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और ये एक शहरी सभ्यता थी, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, चलिए 47 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो सही आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तो देखिए पृथ्वी के भूपटल में पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑक्सीजन है याद रखिएगा, और वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन है, दोनों को ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम यहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीजन भी ऑप्शन में है। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, चलिए आंसर बताइए, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है, तो सही जवाब है भूरा कोयला, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ब्राउन कोल। चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके काल में, तो सही जवाब है इल्तुतमिश के शासन काल में, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है इल्तुतमिश के शासन काल में।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।